Oui, ça. Je vais les rompre. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? राधे राधे। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आज बना रहे हैं पनीर फ्रेंकी, पनीर टिक्का फ्रेंकी। बहुत ही टेस्टी बनती है और संडे को स्पेशल कुछ बनना होता है तो आज फ्रेंकी बन रही है, तो सोचा आपके साथ शेयर की जाए। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। ये मैं तो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि वीडियो तो लाइव रहेगी, तो आप उस पर देख सकते हैं पूरी वीडियो पर और कमेंट करें। आपको आवाज क्लियर आ रही है बस इतना बता दीजिए, यस या नो। पनीर फ्रेंकी बनाने के लिए मैंने दही लिया है, करीब आधा कप दही है, जिसको बांध करके लिया है, मतलब जैसे कि कपड़े में बांध करके रख दिया था। उसके बाद दही को अच्छी तरीके से इस तरीके से गाढ़ा सा हो गया, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। ये दही है और जितना पनीर हो उस हिसाब से आप दही को ले लें। अब इसमें मसाले डालेंगे सभी, किचन किंग मसाला। अगर आपके पास किचन किंग मसाला ना हो तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं 1 टीस्पून के करीब, और मसाले थोड़े से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये है बेसन 1.5 टीस्पून, ये भुना हुआ बेसन है। मैं बेसन को बिना घी तेल के भून करके और डिब्बी में करके फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रीजर में। हल्दी पाउडर थोड़ी सी, 1/2 टीस्पून से भी कम। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, इसको डाल देंगे। आपको क्लियर दिख रहा है ना? ये चुटकी भर हींग है, हींग को डाल देंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हरा धनिया और पुदीना मिक्स है ये कटा हुआ। नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, करीब 1/2 टीस्पून, और डालेंगे इसमें सरसों का तेल 2 टीस्पून। सरसों का तेल बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर देता है पनीर टिक्का को। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल वगैरह डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं ऑरेंज रेड कलर जो होता है वो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है, तो उसे बहुत ही टेस्टी बनता है। और कलर अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं इसमें ऑरेंज रेड कलर। इस तरीके से मैंने पनीर के क्यूब्स काट के रख लिए, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं काटे क्योंकि हम फ्रेंकी के अंदर लगाएंगे। अगर आप पनीर टिक्का बना रहे तो आप थोड़े बड़े साइज के पीस काट सकते हैं। पनीर को मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ी सी प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, आपके पास अगर तीनों कलर की हो तो तीनों कलर की शिमला मिर्च डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करके रख देंगे। वैसे तो इसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में आप रख दें, इस
तरीके से मिक्स करके ढक करके फ्रिज में रख दें, जिससे कि जो फ्लेवर्स है वो सारे पनीर वगैरह के अंदर आ जाएंगे। तो लेकिन अभी हमको तुरंत ही बनानी है, तो मैं साथ के साथ ही बनाऊंगी, 5 मिनट के बाद ही मतलब। तो इसको मैं ढक करके रख देती हूँ जब तक 5 मिनट के लिए, और साथ ही इसमें मैं अदरक मिर्च डालना भूल गई, कि मैंने अदरक मिर्च और लहसुन को इस तरीके से क्रश करके रख लिया है। इसको भी डाल देंगे, ये भी अपने टेस्ट के अनुसार, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन ना डालें। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। बस इसमें अगर आप ऑरेंज रेड कलर डाल देंगे और जब सेक के खाएंगे तो बिल्कुल मार्केट में जो रेस्टोरेंट में मिलता है पनीर टिक्का, बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा आपको। आपकी कोई क्वेश्चन हो तो लिखिए। ये मैंने धनिया पुदीने की चटनी बना करके रखी है। धनिया 1 कप और 1/4 कप पुदीना और 3-4 हरी मिर्च, जितनी भी स्पाइसी आपको करनी है उस हिसाब से, और 1 नींबू का रस, थोड़ा सा काला नमक, सादा नमक, और इसमें डाला है बंधा हुआ दही करीब 2 टेबल स्पून, और अच्छी तरीके से इसको पीस लिया इस तरीके से। तो ये पनीर टिक्का वाली चटनी बन जाती है। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला है करीब 2 चुटकी, इसलिए बहुत ही टेस्टी बनती है ये चटनी। और साथ ही इसके सर्व, जो फ्रेंकी को सर्व करेंगे उसके लिए मैंने विनेगर वाली प्याज बना के रखी है। इसमें मैंने डाली है चाट मसाला, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये थोड़ा सा पत्ता गोभी काट के रखा है, और ये पुदीना और धनिया काट करके रखा है। तो सभी तैयारी मैंने पहले से करके रख ली है, क्योंकि लाइव में बहुत जल्दी जल्दी होता है, काफ़ी लेट तक नहीं कर सकते हैं इसके लिए। किचन भी कॉस्टली हो जाती है। अगर आपको क्लियर नहीं दिखे या कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट कर दें। ये मैंने आटा मार करके रखा है पहले से, 1 कप मैदा और 1 कप आटा, दोनों को मिक्स करके नमक डाल करके और इसको मार लिया था, जैसे पराठों का आटा मारते हैं ना, सेम उसी तरीके से, इतना ही सॉफ्ट है, और अच्छी तरीके से मल करके रख लिया था। पहले हम पराठा सेक लेते हैं, जो फ्रेंकी के लिए रोल बनाना है वो। इसके लिए मैं लच्छा पर इसके लिए मैं लच्छा पराठा बना रही हूँ। तो आप चाहे वैसे भी लच्छा पराठा बना सकते हैं। और प्लीज शेयर करें मेरी वीडियो को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और आप किस तरीके की रेसिपी देखना चाहते हैं, एक लोई ले लेंगे। देखिए क्लियर दिख रहा है ना सब, थोड़ी सी बड़ी लोई ली है मैंने, जैसे सिंपल पराठा बनाते हैं ना उसे थोड़ी सी बड़ी लोई ली है। और इसको जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे पहले। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे, घी ऑयल चाहे जो वो लगा सकते हैं आप।
थोड़ी सी मैदा डाल देंगे, मैदा या आटा, और इसको फैन की तरीके से, जैसे फैन बनाते हैं ना कागज का, उस तरीके से इस तरीके से रोल कर देंगे। और अगर आपके पराठे में लच्छे नहीं आते हैं, जैसे आप लच्छा पराठा बनाते हैं उसमें लच्छे नहीं आ रहे, तो आप इस तरीके से रोल बना करके करीब आधे घंटे के लिए डिब्बे में, मतलब एयर टाइट करके फ्रिज में रख दें, और कम टाइम हो तो फ्रीजर में रख दें 10 से 15 मिनट के लिए, तो जो घी होता है वो जम जाता है हल्का सा, और जब पराठा सेकते हैं तो उसकी लेयर्स बहुत अच्छी तरीके से आती हैं। तो अगर आपके पास, अगर आपके पराठे अच्छे नहीं बनते कि लेयर्स नहीं आ रही हैं, तो आप इस तरीके से बनाएं, आपकी जो पराठे की लेयर्स हैं बहुत ही अच्छी आएगी। पहले से लोई बना बना करके फ्रिज में रख दें सारी। और जब एक तरफ से तच जाएगा तब पराठे को पलट देंगे, हल्का सा तच आए भी मतलब जल्दी कर दिया। इसी तरीके से जितनी चाहे आप लोई बना सकते हैं, मैं एक और बना रही हूँ। और आपको लाइव वीडियो में क्या देखना है आगे प्लीज कमेंट करें। इसको ब्रश की सहायता से लगाएंगे तो पूरे में एक लेयर आएगी बिल्कुल बराबर। तरीके से एक कच्ची पकी रोटी सेक करके आप रख सकते हैं, और जब भी आपको सर्व करना हो तब आप इसको सर्व कर दें। जैसे कच्ची पकी रोटी हो गई, इस तरीके से आप सेक करके रख लें। कमेंट नहीं आया कोई भी? आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है ना अच्छी तरीके से? अभी रोटी जैसे कच्ची पक्की सीख गई है तो इसको इस तरीके से सेक करके रख लें, जितनी भी आपको बनानी हो उस हिसाब से। अब मैं इसको बाद में सेकूंगी, पहले जो पनीर है उसको हल्का सा सेक लेते हैं। डाल दिया मैंने इसमें, पैन में मक्खन डाल दिया है।
ये पनीर है जो अच्छी तरीके से मसाला मिक्स हो चुका है, इसमें पनीर को डाल देंगे। हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे। अच्छी खुशबू आ रही है, आप जरूर बना करके देखें एक बार और कमेंट करें आपको कैसी लगी। आप इंस्टाग्राम पे इसको टैग कर सकते हैं बना करके फोटोज वगैरह को, सौम्या किचन मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है और यूट्यूब पर सौम्या किचन के नाम से मेरा चैनल है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। बहुत टाइम के बाद आपके साथ लाइव आई हूँ। और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करें। पनीर अच्छी तरीके से भून गया, जो पानी है दही का वो सब सूख गया है हल्का सा, बस ऑयल रह गया है, ऑयल है और मक्खन है, तो बहुत ज़्यादा नहीं सुखाएंगे नहीं तो बहुत ड्राई ड्राई लगेगा। तो बस इतना ही इस तरीके से पनीर को कर लेना है सौंपे। अब फिर से तवा को रख लेंगे। इस पर रोटी को रखेंगे। अब चाहे आप मक्खन लगा सकते हैं या चाहे तो घी लगा सकते हैं। मैं घी लगा करके सेक रही हूँ रोटी को। अभी थोड़ा तवा गर्म कम हुआ है, अभी तब तक मैं इधर से जगह कर लेती हूँ। सेकने में तवा गरम हो गया है, जैसे पराठा सेकते हैं। सिंपल पराठा भी सेक सकते हैं, ऐसा नहीं कि लच्छा पराठा ही सेकना है। सिंपल पतली रोटी या फिर आटे की, केवल आटे की रोटी जो होती है उसको सेक सकते हैं। बाजार में तो केवल मैदे की ही आती है, तो घर पे थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए थोड़ा आटा थोड़ा मैदा कर देते हैं। अगर थोड़ा मोटा पराठा है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है सीखने में, और उसको मीडियम हीट पर सेकें अगर थोड़ा मोटा पराठा है, और अगर पतला ही है तो फिर आप इसको फुल फ्लेम पर सेक सकते हैं।
बटर पेपर के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे और सेम तरीके से इसको भी सेक लेंगे। नहीं दिख रहा, इसके रख दे रही हूँ, क्लियर दिखेगा। अब इसके ऊपर आप चाहे तो मेयोनीज भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने मेयोनीज रखी हुई है तो आप या तो चाहे तो बच्चों के लिए से मेयोनीज है, चीज है, वो लगा सकते हैं, चीज लगा करके। मैं केवल चटनी लगा रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि जो पनीर टिक्का है उसके साथ चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, और चटनी कम ज्यादा अपने हिसाब से लगा सकते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से, थोड़ी सी प्याज डाल देंगे। ये विनेगर वाली प्याज है तो ऊपर से मिर्च वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। हरा धनिया आपको देना थोड़ा सा, आप चाहे तो थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, और बिल्कुल पतला पतला सा कटा हुआ पत्ता गोभी, जो भी हो आपके पास आप डाल सकते हैं, क्योंकि सब्जियां तो बच्चों को खिलाना होता है। और इस तरीके से पहले इस तरीके से रोल करेंगे एक तरफ से, और फिर उसको इस तरीके से रोल कर देंगे इस तरीके से। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी फ्रेंकी बन करके तैयार हो जाएगी। और इसमें आप चाहे तो खूब सारी चीज़ भी डाल सकते हैं, जिससे बच्चे और ज़्यादा शौक से खाएंगे। तो ये फ्रेंकी बन करके तैयार है, और आप चाहे तो दो पीस में कट करके भी सर्व कर सकते हैं, इधर से कट करके भी सर्व कर सकते हैं। वैसे इस तरीके से रोल करें, बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे और फटाफट बनने वाली रेसिपी। इसमें जो भी आपके पास मसाले नहीं हो तो आप वो ना डालें, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दें, और वैसे भी बहुत अच्छी लगती है और बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, और फिर से मिलेंगे एक लाइव में नए। चलिए बाय 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 बाय, बंद कर।